हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बनाने के लिए। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करके हमें एक फिनिश गुड बना के अपनी पार्टी को देना होता है उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। तो यही सब चीज़ें आज हम टैली प्राइम में देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस ऑफ टैली प्राइम। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगी। कंस्ट्रक्शन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारे लाइक बिल्डिंग्स बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, या कोई गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट हमें मिलता है रोड कंस्ट्रक्ट करने का और एक्सेट्रा, राइट। सो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स फ्लैट्स बनाने में हमारे क्या रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को हम जब एक फिनिश गुड में रेडी करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कैसे हम उसको सेल करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको लाइक कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, जो स्टॉक आइटम्स यूजेबल होते हैं लाइक रॉ मटेरियल्स, वो बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ ही में हम जो वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे परचेज सेल्स की एंट्री करना, ओके। और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी मैंने क्रिएट की हुई है फ्लैट कंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से। फ्लैट कंस्ट्रक्शन अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट के पे जाना है और F11 पे जाना है, जो फीचर्स अनेबल करने हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको GST अनेबल करना है आपकी कंपनी का। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का स्टेट पुटअप करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, SSC ऑफ अदर टेरिटरी तो नहीं है, आपका GST एप्लीकेबल कौन से डेट से हो रहा है, ओके। पीरियडिसिटी, यहाँ पे आपको GSTN आपका पुटअप करना होगा। यहाँ पे हम आपका GST नंबर पुटअप कर देते हैं 07, ठीक है। पीरियडिसिटी क्या रखनी है आपको, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स दिए होते हैं लाइक सेटल्ड GST डेट डिटेल्स, अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अनेबल GST क्लासिफिकेशन। तो जो ये GST रेट सेटअप है, अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक आइटम्स पे करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप अपनी कंपनी में एक स्टॉक आइटम में डील करते हैं तो आप यहाँ पे रेट सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अलग अलग स्टॉक ऑफ आइटम्स होते हैं तो अगर आप स्टॉक ऑफ आइटम्स पे ही GST रेट्स को इनेबल करेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगी, ओके। नाउ अनदर थिंग इज इनवॉइस फीचर, यहाँ पे आपको इवेबल एप्लीकेबल करना है, सो यू कैन मेक इट एज येस एप्लीकेबल फ्रॉम, ओके। थ्रेशोल्ड लिमिट का वैल्यू उसका क्या रहना चाहिए और किस बेसिस पे रहनी चाहिए, ओके। और एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, सो येस। प्रिंट ईवे बिल विद इनवॉइस, अगर आपको ईवे बिल भी प्रिंट करना है इनवॉइस के साथ तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं। ई इनवॉइस आपको करना है तो आप ई इनवॉइस यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते होंगे गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 जिन पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स की जो एक्सीडिंग टर्नओवर है वो 20 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो उनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी हो चुका है एज़ पर द गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट। सो आप लोग अपना टैली प्राइम को उसी के अकॉर्डिंगली अपग्रेड करवा लीजिए एंड ई इनवॉइस को बनाना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे सेव कर दिया। नाउ अनदर थिंग इज़, हमें और क्या ज़रूरत पड़ती है, हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को भी येस कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी के फीचर्स को मैं सेव कर देती हूँ। अब चलिए हम बना लेते हैं लेजर्स। तो लेजर्स बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले क्रिएट पे, ओके। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे लेजर्स पे। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक फ्लैट कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि हम फ्लैट कंस्ट्रक्शन का कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी वर्किंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो आपको फिर उसमें इश्यूज नहीं आएंगे, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटर्स का लेजर बना लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बनाया बिरला, ओके, ट्रेडर्स, ये हमारे संडे डेटर्स हैं। बिल वाइज डिटेल मैंने इनकी येस करी है और यहाँ पे एड्रेस पुटअप किया है, ओके। और यहाँ पे GST नंबर पुटअप हम करेंगे। GST नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जो हमारी GST की कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हमको गैप्स आते हैं, तो आप पर्टिकुलरली GST नंबर को करेक्टली फिलअप कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट हम एक और लेजर बना लेते हैं जिनको हम सेल करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को बना के।
तो वो हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने बनाया अंबुजा कंस्ट्रक्शंस, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे अंबुजा कंस्ट्रक्शंस बना लिया। इस ये भी सारी डाटा है हमारे, और बिल वाइज डिटेल मैंने इनकी येस करी है, और यहाँ पे GST हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 07AAA CCC 1206 एंड D1ZI। ओके, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। नाउ अनदर थिंग इज, अब हम परचेज की पार्टी बना लेते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे। जब हम रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे तभी तो हम उसको एज अ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे बाय अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे बना ली शर्मा, ओके, इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हमारे हो गए सन्डे क्रेडिटर्स जिनसे हम परचेज करेंगे। ये भी हमारी दिल्ली की पार्टी है, यहाँ पे हमने इनका GST नंबर हमको पुटअप करना है, ये हमने सेव कर दिया। अब हम एक और पार्टी बना लेते हैं अमन ट्रेडर्स के नाम से, अमन ट्रेडर्स। यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल पार्टी है वो आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स बता रही हूँ सिंपली। ये मैंने सेव कर दिया लेजर। ओके, अब हम यहाँ पे सेल परचेज के लेजर बना लेते हैं गाइस। सेल्स का हमने लेजर बनाया, सेल अकाउंट, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज का लेजर बनाया, उसमें आएगा हमारा परचेज अकाउंट। लेटर ऑन हम यहाँ पे टैक्स के लेजर्स बना लेते हैं लाइक IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि एट अ टाइम ऑफ एंट्रीज हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम स्मूथली एंट्रीज को कर सकें, ठीक है। ऐसे ही CGST का लेजर होता है हमारा, वो भी हमारा GST में जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आएगा। अब ऐसे SGST का लेजर होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे स्टेट टैक्स, और ये सेव, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमारी लेबर भी यूज़ होती है, मतलब बहुत से तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक या दो एक्सपेंसेस बना के बता देती हूँ। अब आपके केस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली लेजर्स को बना सकते हैं और पुटअप कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लेबर एक्सपेंस बनाया, ठीक है। अब लेबर एक्सपेंस जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आया, और यहाँ पे GST को हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ओके, ये सेव किया। नाउ अनदर थिंग इज, मैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट बना देती हूँ। अब जिनसे हम काम करवाएंगे हम उन्हें सैलरी भी देंगे, करेक्ट, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, और ये GST को हमने नॉट एप्लीकेबल रखा, और ये सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लेजर्स बता देती हूँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। ये देखिए, ये सारे लेजर्स हमने क्रिएट करे हैं। कैपिटल अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट हमें दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, अब हमने लेजर्स तो क्रिएट कर लिए, ठीक है, अब हमें रॉ मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, यानी कि हमें अब स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे मैं क्रिएट पे गई यहाँ पे, और हमें यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम्स पे। अभी हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। उससे पहले मैं आपको एक पर्टिकुलरली एग्जांपल बता देती हूँ। ये देखिए, हमें 2000 स्क्वायर फिट कंस्ट्रक्शन एरिया करना है, 2000 स्क्वायर फिट का जो फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो हमारा इतना रहेगा। तो हमें रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे फ्लैट कंस्ट्रक्शंस के लिए, वो मैंने यहाँ पे पुटअप किया, लाइक द आइटम नेम, उनकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, रेट कितना रिक्वायर्ड रहेगा, और फिर वैल्यू वाइज वो हमें कितना मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो रेट है ये मैंने जस्ट एज्यूम करके पुटअप किया है, आपके केस में जो रेट हो एक्चुअल वो ही आपको पुटअप करना है। तो ये पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे लाइक क्वांटिटी लिखी है, तो ये क्वांटिटी हम टू वेरिएबल्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक जैसे कि हमने टू परचेज की पार्टी बनाई है, तो उन दोनों परचेज की पार्टी से ये क्वांटिटीज पोर्शन में हम परचेज करेंगे, ओके। उसके बाद उसका जो हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पर्टिकुलरली लाइक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और फिर सेल करके हम आपको बताएंगे कि कैसे वो हम कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक्स है सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे ब्रिक्स को क्रिएट किया, और ब्रिक्स जो है अपना यहाँ पे मैं जो अंडर है ये रॉ मटेरियल कर लेती हूँ ताकि हमें स्पेसिफिक हो जाए रॉ मटेरियल, ओके। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडिड, इसको हम ऑप्शंस को येस रखना है, तो हमारी क्वांटिटीज एडिड होती है स्टॉक समरी में, अदरवाइज हमें स्टॉक समरी में हमारे पर्टिकुलर आइटम शो नहीं करता, ओके। मैंने यहाँ पे शो किया,
अब हमें यहाँ पे यूनिट्स बनानी है, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट्स करना है। जैसा कि जो हमारी ब्रिक्स हैं वो पीसीज में हमको आती है, फॉर्मल नेम में हमको पीसीज लिख देना है, ठीक है। यूक्यूसी में हमको पीसीएस हम लिखेंगे तो पीसीज हमको आ जाएगा, मैंने सेव किया ये, ओके। उसके बाद ही हमें आपके हमको जीएसटी पे जाना है, जीएसटी एप्लीकेबल करना है। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग पुटअप कर सकते हैं, जो हमें जीएसटी लॉ में हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन, वो ही आपको पुटअप करना है। और एचएसएन कोड भी आपको जो हमें जीएसटी लॉ में है एचएसएन कोड, वो ही हमको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। करंटली मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली पुटअप कर रही हूँ, जस्ट एज्यूम करके आपको वही पुटअप करना है जो ऑलरेडी एचएसएन कोड है पर्टिकुलर आइटम का, ठीक है। ऑन वैल्यू ये है टैक्सेबल, और इस पर करंट जैसे 5% के अकॉर्डिंग हमने टैक्स दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम रहेगा वो रहेगा सैंड। तो मैंने यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे किया सैंड पे क्लिक। ये भी रॉ मटेरियल है हमारा, और सैंड जो होता है वो हमको स्क्वायर फिट के अकॉर्डिंगली मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, तो मैं यहाँ पे लाइक स्क्वायर फिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमको यूक्यूसी देखना है इसका, तो ये यूक्यूसी हमको आ गया। मैं यूक्यूसी इसको भी सही कर लेती हूँ, एसक्यूएफ कर देती हूँ, अदरवाइज हमें बाद में वरना इशू आ सकता है जीएसटी रिटर्न्स में। ये हमने किया, ठीक है, और इस पर भी मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया। मैं करंटली अब मैं डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड फिलअप नहीं कर रही हूँ, बट आपको जो भी आप स्टॉक आइटम्स बनाएंगे वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड फिलअप करना है, अदरवाइज आपके जीएसटी रिटर्न्स में जो लाइक एरर्स होते हैं वो आपको एरर्स आ सकते हैं, फिर आपको करेक्शन उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हमने ले लिया लाइक 5%, सेव किया। लेटर ऑन हम यहाँ पे बनाएंगे सीमेंट बैग, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे सीमेंट बैग, यहाँ पे भी हमने ले लिया रॉ मटेरियल, और सीमेंट बैग जो है वो हमारा बैग्स में जाता है, तो हमें यहाँ पे यूनिट क्रिएट करनी होगी बैग्स की, ओके। अब यहाँ पे हमको एप्लीकेबल करनी है जीएसटी, और ये जाना है टैक्सेबल पे, और ये 28%, ये टैक्स रेट आपको एज पर द करंट परसेंटेज आपको पुटअप करने हैं, ठीक है। लेटर ऑन हम बनाएंगे यहाँ पे स्टील, स्टील भी हमारा रॉ मटेरियल है, और स्टील जो हमारा जाता है वो केजीज में जाता है। तो इस तरीके से आपको न्यू न्यू यूनिट्स अगर आपको पुटअप करनी है तो आप कर सकते हैं यूनिट्स को पुटअप, क्योंकि यूनिट्स भी आपका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है एट द टाइम ऑफ एंट्री। यहाँ पे हम 18% कर देंगे, सेव। लेटर ऑन वी विल मेक आयरन, ओके, रॉ मटेरियल, और आयरन भी हमारा केजीज में जाता है। ये हमने किया टैक्सेबल, ठीक है, 18%। उसके बाद हम बनाएंगे ग्रेनाइट, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, और ग्रेनाइट हमारा स्क्वायर फिट में जाता है, ठीक है, यस। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप F12 से वो ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन हमको नहीं चाहिए रहता है, ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, तो ये हम डिसेबल कर सकते हैं, ओके। टैक्सेबल, और ये 28%, सेव कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे मार्बल, मार्बल भी हमारा रॉ मटेरियल में हम रखेंगे, और मार्बल भी हमारा स्क्वायर फिट में जाएगा, ठीक है। इस पर हमने जीएसटी को अनेबल किया, और ये रेट, ओके, रेट हमको इस पे देना है 28%, सेव कर दिया कंट्रोल ए करके। उसके बाद हमने बनाई टाइल्स, ये भी हमारा रहेगा रॉ मटेरियल, और टाइल्स भी हमारे स्क्वायर फिट में जाएगी। यहाँ पे हमने किया टैक्सेबल 5%, सेव कंट्रोल ए, और फिर हमने बनाए कॉपर वायर रॉ मटेरियल, ठीक है। कॉपर वायर हमारा मीटर में जाएगा, तो हमें एक और यूनिट रेट पॉइंट करनी पड़ेगी MTR, यानी कि मीटर्स, ठीक है, सेव। उसके बाद हमने जीएसटी यहाँ पे अप्लाई किया, तो जीएसटी हमारा जाएगा 18% में, ये फिर हमें सेव कर देना। उसके बाद मैंने किया पेंट, ठीक है, दिस इज आल्सो इन रॉ मटेरियल, और पेंट हम करते हैं लीटर्स में, तो पेंट्स हमारा जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं यूनिट फॉर द पेंट्स, ओके, और ये हमारी यूक्यूसी हो गई है, सेव। और इस पर भी हम जीएसटी को अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम टैक्सेबल करेंगे और 18% करेंगे, ठीक है, सेव कर देते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ये कुछ स्टॉक आइटम्स प्रिपेयर किए हैं। अब आपके अकॉर्डिंग
डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक आइटम्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने स्टॉक आइटम्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 10 स्टॉक आइटम्स बनाए हैं एज अ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो अब आपके अकॉर्डिंग आपके किस्म कितने हैं आप वो देख सकते हैं। चलिए अब हमें जरूरत पड़ेगी लाइक गोडाउन बनाने की, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे दो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमें गोडाउन दिया जाता है वो मेन लोकेशन हमें ऑलरेडी दिया जाता है। नाउ लेट्स सपोज अगर अब हम रॉ मटेरियल्स लेंगे, ठीक है, वो हमारे दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं। लाइक हमने जो संडे डेटर्स की जो हमने पार्टी बनाई थी हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट मान लेते हैं। तो हम जब दो पार्टी के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स लेंगे तो हमें वो गोडाउन में पुटअप करना पड़ेगा, और फिर जब हम बनाएंगे तो हमें गोडाउन में से वो मटेरियल हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो टैली में बाय डिफॉल्ट जो गोडाउन दिया जाता है वो मेन लोकेशन दिया जाता है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो करंटली मैं न्यू क्रिएट कर रही हूँ, ओके। मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करूँगी। तो मान लीजिए कि हमारी जैसे कि जो पार्टी थी एक बिरला ट्रेडर्स थी और एक अंबुजा कंस्ट्रक्शंस थी। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एक हमारा प्रोजेक्ट हो गया प्रोजेक्ट बिरला के नाम से, ठीक है। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स को हमने यस कर दिया, तो हमने कर दिया सेव। और नेक्स्ट जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा प्रोजेक्ट अंबुजा के नाम से, ओके। तो अब जब भी मैं गोडाउन का यूज़ करूँगी तो मैं इन गोडाउन का यूज़ करूँगी बिरला वाले प्रोजेक्ट के लिए। बिरला वाले गोडाउन में मैं मटेरियल सेव करूँगी, हालांकि गोडाउन ये हमारे ही हैं बट मैंने इनको ये नाम दे दिया कि, तो मैं जब एंट्री करूँगी या जब मैं रॉ मटेरियल्स को स्टोर करूँगी तो एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मुझे ये रहेगा कि ओके ये जो बिरला प्रोजेक्ट वाला गोडाउन है उसमें बिरला ट्रेडर्स का हमें रखना है मटेरियल, और जो प्रोजेक्ट अंबुजा वाला गोडाउन है वहाँ पे हमें अंबुजा कंस्ट्रक्शन वाली पार्टी का रखना है मटेरियल, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स भी बना सकते हैं, वो किस वजह से कि जैसे हम जब सेल करेंगे पार्टीज़ को तो वहाँ पे हम वो ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कौन सी पार्टी को एग्जैक्टली और कितने लाइक एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग और इनकम के अकॉर्डिंग हमने वो कॉस्ट सेंटर्स को टैग किया है, राइट। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक अंबुजा कॉस्ट सेंटर और एक मैं बना देती हूँ यहाँ पे बिरला, ठीक है। ये जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं करंटली वो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट्स कर दिए हैं, मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट कर दिए हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर दिए हैं, लेजर्स क्रिएट कर दिए हैं जो हमें चाहिए रहेंगे, ओके। एंड कॉस्ट सेंटर्स भी हमने क्रिएट कर दिए हैं, यूनिट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के पार्ट वन में, सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में, उसमें मैं करंटली आपको बताऊंगी कि हम परचेज कैसे कर सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। उसमें गोडाउन वाइज हमें क्या एलोकेशन प्रोवाइड करनी होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सी रिपोर्ट हमें चेक करनी रहती है, ओके। एंड पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं, लेटर ऑन फिनिश गुड्स का लेजर बनाना और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में हम बॉम को यूज़ करके मटेरियल्स को वहाँ पे इकट्ठा ट्रैक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर सेल्स का अकाउंट भी प्रिपेयर करना, देन रिसिप्ट वाउचर। सो ये सब मैं आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के पार्ट टू में बताने वाली हूँ। सो आई होप आपको पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ आया होगा। नाउ पूरा कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग समझने के लिए आप हमारी पार्ट टू वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, धन्यवाद।